प्रणाम। कई बार शिष्यों के मन में और आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर मेरा आध्यात्मिक चिंतन क्या है और मैं अध्यात्म का ये प्रचार प्रसार क्यों करता हूँ। क्या मेरी इच्छा नाम प्राप्ति की है या फिर मेरी इच्छा धन प्राप्ति की है, या फिर मैं कुछ इन दोनों से भी हटकर कुछ अलग करना चाहता हूँ, या फिर किसी इतिहास का निर्माण करना चाहता हूं। लेकिन आज मैं स्पष्टतया ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में न तो धन की लालसा है, न ही नाम की आकांक्षा है, और न ही मैं कोई इतिहास निर्मित करना चाहता हूँ। मुझे तो बस पृथ्वी पर जन्म मिला, मैं इतने से ही अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ। जीवन मेरे लिए एक सतत यात्रा है, हर एक मनुष्य की तरह। और मैंने जीवन को जब प्रारंभिक अवस्था में देखा तो इन्हीं हिमालयों में पाया, इसलिए हिमालयों से सहज प्रेम और स्नेह है। लेकिन बाल्य अवस्था से साधना करते हुए, गुरु के शरण में रहते हुए मैंने अनेकों तत्वों को आत्मसात किया, लेकिन कभी किसी को ये बताने की कोशिश नहीं की कि अध्यात्म का मेरा अनुभव क्या है, अध्यात्म में मैंने क्या पाया और अध्यात्म का प्रचार प्रसार आखिर मेरा उद्देश्य क्यों है। मैंने बाल्यावस्था से ही गुरुदेव के साथ हिमालयों पर विचरण आरंभ किया। जमा देने वाली सर्दी और यहां सांस लेने के लिए प्राणवायु तक नहीं है। एक एक कदम ऊपर रखना एक आम मनुष्य के लिए तो लगभग असंभव है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा ही जटिल है। ऐसे परिवेश में गुरुओं के साथ उनकी दी मर्यादा का पालन करना और उनके प्रदत्त अध्यात्म को समझना ये बड़ा विलक्षण था। लेकिन कहते हैं बालक को जैसे परिवेश में रखा जाए वो वैसे परिवेश में ढल जाता है। ठीक वैसे ही मुझे भी जैसे परिवेश में रखा गया मैं वैसे ही परिवेश में ढलता गया। लेकिन साधना की परम नियति है कि वो अपने साधक को रहस्य रखती है और रहस्य ही उसका आवरण है। गुरु के सानिध्य में जब ज्ञान प्राप्ति का सिलसिला शुरू हुआ तो अनेकों अनेक धर्म प्रसंग, अनेकों अनेक ग्रंथ, अनेकों अनेक तथ्य और दर्शन सम्मुख आए। एक और दर्शन थे और एक और प्रयोगात्मक साधना, एक और योग था तो दूसरी ओर मंत्र साधना, एक और तंत्र का अपार विशाल संसार था, दूसरी ओर योगियों की रहस्यमय सिद्धियों का विराट संसार। लेकिन मैंने अध्यात्म ना तो इसलिए सीखा था कि मैं तुम्हारे सामने आकर कभी तुम्हें कुछ बताऊंगा, और ना ही मैंने अध्यात्म इसलिए शुरू किया कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं और बदले में तुम मुझे मान दो अथवा धन दो। ये सब व्यर्थ की बातें हैं और पूरी तरह से प्रपंच है। वास्तविकता केवल इतनी है कि अध्यात्म मैंने केवल आत्मसुख के लिए ही शुरू किया। गुरुओं ने प्रारंभिक अवस्था में जबरदस्ती इस मार्ग पर धकेला, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी गुणवत्ता का पता चला तो आनंद आने लगा और फिर ये आनंद मेरी जीवन शैली हो गया। इस जीवन शैली के बढ़ते बढ़ते इसके रस को अनुभव करते करते फिर जीवन इसी परिपाटी पर आगे बढ़ने लगा और बहुत आगे निकल आया। आज ये मैं अवश्य अनुभव करता हूँ कि एक आम मनुष्य और मेरे बीच वैचारिक रूप से या दैहिक रूप से कुछ अंतर अवश्य प्रकट हो गए हैं। आज मैं जो सोचता हूँ वो आम मनुष्य नहीं सोचता, और जो आम मनुष्य सोचता है शायद मैं वही नहीं वो सोच नहीं सकता या सोच नहीं पाता। लेकिन ये ज़रूर है कि पीड़ा यदि मेरे हृदय में है या किसी दूसरे मनुष्य के हृदय में, हम एक दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं। और अनुभव हम सब कुछ बांट सकते हैं, कुछ अनुभव हम बांटते हैं और कुछ आपके अनुभव हम तक पहुंचते हैं। लेकिन मूलतः ये स्पष्ट दर्शन मेरा है कि मुझे धन संपदा वैभव आदि इन सब तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल
तथ्यों को स्पष्ट करना है ताकि तुम ये जान सको कि मेरे पीछे चलने के कारण कहीं तुम गलत पथ पर ना चले जाओ। मैंने अध्यात्म को जब शुरू किया तो मैंने बताया कि ये केवल आत्मसुख के लिए था। जब हिमालयों की कंदराओं पर इस तरह से काला शरीर, बिल्कुल काला शरीर होता था, चमड़ियाँ उधर जाती थी, तो भी हमें दुख नहीं होता था। होंठ इसी प्रकार फटे हुए रहते थे, शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती थी, शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान, पर्वतों पर आना, हिम पर चलना, शीतल जल में स्नान करना, तीखी तूफानी हवाओं के बीच में भी साधना करना, जहाँ आम मनुष्य सोचेगा कि यहाँ कोई सभ्यता या मनुष्य नहीं होगा, हमने वहाँ साधनाएं की और जीवन को अनुभव किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ रहने से ही सब कुछ हो जाता है, उन स्थानों का अपना एक दिव्य महत्व है, इसलिए हम उन स्थान पर रहें। तुम अपने स्थान पर रहकर भी उन ईश्वरीय तत्वों और साधनाओं को पा सकते हो। लेकिन जब मुझे उनकी प्राप्तियां होती रही तो मन में एक अलग सा भाव उत्पन्न हुआ। लोग उसे वैराग्य का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं वैराग्य नहीं कहूँगा, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है बिल्कुल से वीतरागी हो जाना। लेकिन मेरे मन में राग है इन पर्वतों को लेकर, हिमालयों को लेकर, मैदानी क्षेत्रों को लेकर, समुद्र और समुद्र तटों को लेकर। मुझे राग है अपने भारतवर्ष से, मुझे राग है इस संपूर्ण विश्व से, मुझे राग है मानव सभ्यता से। लेकिन इसके बाद भी मनुष्यों की अलग अलग वृत्तियां देखने को मिली। तो बाल्यावस्था से पाठशालाओं में मैं भी पढ़ा, एक आम बालक की तरह ही, एक और अपना गुप्त जीवन जी रहा था हिमालयों पर, साधनात्मक, अद्भुत चिंतन, योगी जीवन, और दूसरी ओर बिल्कुल ऐसे में मैं क्या करता, अपने आप को गुप्त रखा, लेकिन समाज में समाज के लोगों का वर्ताव देखा, उनकी निंदा चुगली करने की वृत्तियां देखी, उनकी आलोचना करने की वृत्तियां देखी, उनकी ऐसी ऐसी बातें देखी कि हृदय को ठेस पहुंचने लगी। जैसा मैं हूं ही नहीं, लोग अक्सर वैसा मुझे बताने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं सोचता ही नहीं, लोग अक्सर ये कहते कि मैं वैसा सोचता हूं। जो चीज मैं अपने पास नहीं रखता, लोग कहते हैं कि मेरे पास वो तत्व है। जिनके साथ मैं नहीं रहता, लोग कहते हैं कि मैं उनके साथ रहता हूं। ये बड़ी अद्भुत विडंबना है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें जबरदस्ती थोप दिया जा रहा है। तो ऐसे में चित्त बड़ा उदास और मलिन था, और मैं महागुरु से केवल एक ही तत्व चाहता था, एक ही प्रार्थना मेरी थी कि आप मुझे साधनाओं में परिपक्व कर दीजिए, आत्मज्ञान में परिपक्व कर दीजिए, लेकिन रखिए इन पर्वतों को, इन्हीं गुफाओं और इन्हीं कंदराओं में, ताकि यहाँ आम मनुष्यों से मैं सुरक्षित रह सकूँ, दूर रह सकूँ और अपना आत्मचिंतन कर सकूँ। स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, सत्येंद्र, चाहे जो भी हो जाए, हमने तुम्हें सनातन का ज्ञान दिया है, हमने तुम्हें सनातन का चिंतन दिया है, उस चिंतन को उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको उसकी जरूरत है, जो उसको जानना चाहते हैं, और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे हिमालय क्षेत्र का त्याग कर समाज के बीच में फिर लोगों को बताना पड़ा कि तुम अध्यात्म की ओर बढ़ो, तुम अध्यात्म की ओर जाओ। किंतु जैसे ही समाज के बीच कोई मनुष्य कदम रखता है तो ये बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि समाज का अपना तथाकथित सिद्धांत और अपनी अवधारणाएं बहुत ही अलग है। यहाँ पर हम हिमालयों पर किसी को लांछन लगाने के लिए नहीं बैठते, हम यहाँ किसी की निंदा चुगली के लिए नहीं बैठते, हम यहाँ किसी को धोखा देने के लिए नहीं आते, हम यहाँ केवल अपने कल्याण की प्रार्थना, अपने शिष्यों के कल्याण की प्रार्थना, हमसे प्रेम करने वालों के कल्याण के लिए प्रार्थना, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रार्थना, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व और मानव सभ्यता, समस्त जीव जंतु और चराचर के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन न जाने क्यों हमारी प्रार्थनाएं भी इस समाज को ठीक नहीं लगती। इसलिए कोई कहता है कि शायद धर्म गुरुओं को या धर्म प्रमुखों को धन की आवश्यकता है। धन एक जरूरत हो सकती है, आवश्यकता
छोटी सी हो सकती है, लेकिन सब कुछ धन तो नहीं हो सकता। और यदि हम अध्यात्म के मार्ग में वास्तव में हैं, तो ये तो मूर्ता है कि आज कोई मुझे महायोगी सत्येंद्रनाथ के नाम से जान रहा है और मेरी बड़ाई कर रहा है तो मूर्खता है, क्योंकि मैं सदा तो नहीं हूँ, मैं नित्य तो नहीं हूँ, मैं तो नश्वर हूँ। पर्वत पर से लुढ़क गया तो राम कहानी समाप्त, एक गंभीर सा रोग हो गया तो राम कहानी समाप्त, जीवन बिल्कुल बहते जल सा है। तो ऐसे में नाम का चिंतन भी हमारे लिए लगभग व्यर्थ है। आध्यात्मिक चिंतन मेरा बिल्कुल अलग है, ना तो धन की लालसा, ना नाम की लालसा, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से कोई विशेष मुझे चाहिए। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मेरे निकट रहता है, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं, मैं उनकी चिंता करता हूँ, क्योंकि ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रणाली है। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि क्या मैं बाकी सन्यासियों जैसा बिल्कुल हूबहू वैसा हूँ, या बाकी साधुओं जैसा बिल्कुल वैसा ही जीवन मेरा भी है? तो इसमें मेरा उत्तर है नहीं। बाकी साधु सन्यासी, माता पिता भाई बंधु मित्र, इन सब नातों से भी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन मैं इन सब नातों से ऊपर नहीं उठता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पृथ्वी पर यदि ये पहाड़ बना हुआ है तो ये बना ही है, इसे हम नकार नहीं सकते। ठीक उसी तरह भले ही मैं जोगी महाजोगी हूँ, लेकिन माता पिता मेरे लिए सम्माननीय है, मैं उनको लांग कर नहीं जा सकता। जो सहपाठी जो मित्रगण मेरे साथ पढ़े वो मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं उनको लांग कर नहीं जा सकता। जिन अध्यापकों ने मुझे भौतिक शिक्षा दी वो मेरे लिए प्रणम्य है, भले ही मैं आज योगी हो जाऊँ या कल दिन बहुत परम विराट योगी भी बन जाऊँ, तब भी वो मेरे लिए प्रणम्य है, मैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पृथ्वी सहजता के लिए बनी है। इसलिए साधना भी मेरे लिए सहज तत्व है। लोगों को और मेरे साथ रहने वाले कुछ विचारकों को भी ये लगता है कि साधना करने हिमालय के इस नकारात्मक वातावरण में आने की क्या आवश्यकता, या तो व्यक्ति अगर कोई आम व्यक्ति आ जाए तो एक से दो घंटे के अंदर अंदर ही उसका प्राणांत हो जाएगा। उनका प्राणांत अवश्य हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मनुष्य के अंदर यदि क्षमताएं हैं तो उसका विकास और संवर्धन होना चाहिए। हालांकि भगवान शिव की या किसी अन्य देवी देवता की उपासना करने के लिए पर्वत शिखर पर जाना आवश्यक नहीं है, तुम भूमि पर बैठो, अपने कक्ष पर बैठो, लेकिन मुझे मेरी रीति में रहने दो, मुझे मेरे जैसा रहने दो, तुम मेरी तुलना किसी और से क्यों करते हो? किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध एक दिव्यतम चेतना इस ब्रह्मांड से अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पर, उन्होंने कहा कि अत्यंत हट करने पर भी कुछ नहीं मिलता और अत्यंत सरल जीवन जीने पर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए सम्यक जीवन, सम्यक साधना, सम्यक आचार व्यवहार पर उन्होंने बल दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि महात्मा बुद्ध को भी इस बात का एहसास कैसे हुआ कि सम्यक मार्ग पर चलना चाहिए? शायद तब हुआ जब उन्होंने एक तरफ उत्कर्ष पर जाकर अपने शरीर को लगभग अंत तक पहुंचा दिया, कष्ट साध्य साधनाएं की, और एक तरफ उन्होंने राजा महाराजाओं जैसा जीवन जिया। तब उन दोनों के बीच का उन्हें मध्य का बिंदु समझ में आया। आज यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मध्य मार्ग पर चलो, तो ये सुनी सुनाई बात है, ये कोई अनुभव नहीं है। और यदि तुम्हारा अनुभव नहीं है तो तुम मुझे या किसी दूसरे व्यक्ति को राय कैसे दे सकते हो? और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आध्यात्मिक चिंतन में अपने गुरु के अतिरिक्त किसी मित्र, किसी पारिवारिक व्यक्ति, किसी सामाजिक व्यक्ति के चिंतन को महत्व नहीं देता। इसलिए तुम्हें यदि मेरा मार्ग, मेरी विचारधारा उत्तम नहीं लगती तो तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर प्रकृति में कौवे हैं और हंस भी हैं, तुम्हें हंस पसंद है, कौवे पसंद नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सारे कौवों को मार दो। अगर तुम्हें मैं हंस लगता हूँ तो उत्तम है, और तुम्हें यदि मैं कौवा लगता हूँ तो भी उत्तम है। लेकिन तुम कौओं को देखकर उनकी आलोचना तो नहीं करते, तुम उन्हें देखते हो और आगे चले जाते हो। ठीक उसी प्रकार मुझे भी देखो और आगे चले जाओ। मेरा आध्यात्मिक चिंतन केवल इतना है कि मैं गुरु प्रदत्त मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग मानता हूँ, और मेरा आध्यात्मिक चिंतन ये है कि पुरुष को कठोर होना चाहिए और उसको बलवान होना चाहिए, उसे सामर्थ्यवान होना चाहिए, उसे महावीर होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी वीरों की है,
ये पृथ्वी सिद्धों की है, इसलिए तुम्हारे पास साधना का बल होना चाहिए। भले ही यहां सांस लेने के लिए इन फेफड़ों को जद्दोजहद करनी पड़ती हो, लेकिन वीर इन हिमालयों के सम्मुख भी नतमस्तक नहीं होते, वो इनके ऊपर भी सदैव विराजमान रहते हैं। यही शिव तत्व है और यही मेरा आध्यात्मिक चिंतन। प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं हिंसावादी हूं या अहिंसात्मक हूं? तो मैं ये कहता हूं कि मैं परम हिंसावादी हूं, लेकिन आत्मरक्षा का सिद्धांत मैं भी मानता हूं। ठीक वैसे ही प्रकृति में ईश्वर के पथ पर चलने वालों के लिए मैं केवल एक संदेश देता हूं कि अपने घरों से बाहर निकलो, अपने क्षेत्र से बाहर निकलो, सृष्टि के विराट तत्व को निहारो और ईश्वर की आराधना के लिए भी केवल एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें एक मूर्ति स्थापित करके पतली सी घंटी बजाकर उस विराट परमात्मिक सत्ता का परिहास न करो। मेरा मानना है कि ईश्वर की अनुभूति समस्त चराचर में होगी, इस खुले आकाश में, इन बर्फीली वादियों में, इन हिम शिखरों के नीचे, बर्फ के नीचे बहते पानी में, इन हवाओं में ईश्वर का अस्तित्व हर एक स्थान पर है, लेकिन यहां तुम्हें केवल उसे अनुभव करना होगा। मेरा आध्यात्मिक चिंतन है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व का तुम्हें केवल हित करना चाहिए। यदि ये पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा हिमालय पर है तो परमात्मा ने इसकी नियति स्थापित कर रखी है, तुम्हें इसका अपमान नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस पर चर्चा परिचर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके गुण अवगुण को जानो, इसके अवगुण को छोड़कर सार तत्व रूपी गुण को ग्रहण कर लो। ये मेरा आध्यात्मिक चिंतन है। तो जो जबरदस्ती मुझे मानते हैं या जबरदस्ती मेरे पीछे चलते हैं, मेरे 100 बार इनकार करने पर भी, तो उन अद्भुत मनुष्यों के लिए तो मैं केवल ये कहूंगा, उन महान भक्तों को केवल यही कह सकता हूं कि आप सब शायद मुझसे बहुत ऊपर हो जो मुझ जैसे विरले को पसंद करते हो। लेकिन मेरा आध्यात्मिक चिंतन ये है कि यदि मुझ में अच्छी बातें हैं केवल वही ग्रहण करो, बाकी छोड़ दो। लेकिन साधना के लिए तुम्हें बाहर तो निकलना ही होगा, गुरु के सानिध्य में तो जाना ही होगा, शास्त्र को समझने के लिए सूक्ष्म प्रज्ञा को जागृत तो करना ही होगा, अन्यथा तुम अध्यात्म में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। सामाजिक धर्म, सामाजिक अध्यात्म तुम पा सकते हो, वो है समूहों में बैठकर कीर्तन करना, वो है समूहों में बैठकर परमात्मा को याद करना, वो एक श्रेष्ठ पद्धति है, पर उच्च कोटि के साधक बिल्कुल निराले होते हैं। जैसे हिरणों का झुंड इस हिमालय में एक साथ चलता है, लेकिन जो व्याघ्र इस हिम पर चलने वाला श्वेत व्याघ्र है, कभी झुंडों में नहीं चलेगा, उसकी अपनी रीत होगी। साधक भी वैसा ही वीर धर्मयुक्त होता है। हालांकि तुम भी हिरणों की भांति सुंदर सुंदर समूहों में ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो मेरा चिंतन नहीं है। मैं यहाँ केवल अपने आध्यात्मिक चिंतन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास भी 1000 लोग आए, लेकिन 1000 लोगों में से 999 लोग ये कहे कि हमें इस व्यक्ति की बात समझ नहीं आती, हमें इस व्यक्ति का सिद्धांत समझ नहीं आता, लेकिन एक व्यक्ति को भी यदि मेरा आध्यात्मिक चिंतन समझ आता है तो मेरे गुरु का दिया प्रसाद, मेरे गुरु का दिया मार्ग और उनकी दी आज्ञा फलीभूत होने लगेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल उतना है कि अपने गुरु के दिए वचन को मैं पूरा कर सकूं। कुछ लोग धर्म देकर भी मेरी सहायता में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग दैहिक रूप से हमारी सेवाएं करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी रीति से करते हैं। ये उनका बड़प्पन है कि इस प्रकृति में मुझ जैसा एक जीव है उसके लिए भी वो चिंतित रहते हैं, ये उनकी अपनी प्रज्ञा का विकास है। लेकिन मेरा आध्यात्मिक चिंतन ये कहता है कि यदि तुम देते हो तो प्रकृति तुम्हें देती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि तुम केवल मुझे दो, तुम प्रकृति को दो, वृक्षों को जल दो, आकाश को तुम शुद्ध हवाएं दो, इन हवाओं को प्रदूषित न करो, तुम इतनी उच्च कोटि की ध्वनि उत्पन्न न करो कि ये शांत सृष्टि ध्वनि से कांपने लगी, तुम इस तरह के शब्दों का उच्चारण न करो कि समाज में त्राही त्राही मच जाए, तुम ऐसा कुछ न करो जिससे सृष्टि का अपना संतुलन डावाडोल होने लगे। तुम केवल
गुरु के प्रदत्त मार्ग की ओर एक एक कदम रखो तो तुम्हें लगेगा कि वास्तव में गुरु का ये मार्ग बड़ा ही विराट, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य और अलौकिक है। इसलिए मैंने भौतिक शिक्षा भी ली, तुम्हारी तरह मैं भी विज्ञान को समझता हूँ, तुम्हारी तरह कला, साहित्य और प्रत्येक वस्तु को मैं समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अध्यात्म को इन सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पाया है। तो ये मेरा आध्यात्मिक चिंतन है कि अध्यात्म इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है जिसने इस अखिल ब्रह्मांड का संचालन सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से कर रखा है। उससे जुड़ जाना तुम्हारे लिए परम प्रसन्नता का मार्ग होगा। इसी तत्व ने मुझे कुछ नहीं होते हुए भी प्रसन्नता दी है, तो तुम्हें भी ये सब कुछ होते हुए अति प्रसन्नता देगा ही देगा। यही सत्य मार्ग है, यही सत्य चिंतन है। लेकिन ये मैं केवल ऊपरी तथ्य से तुम्हें परिचित करवा रहा हूं कि मेरा आध्यात्मिक चिंतन ऊपरी तौर पर ये है, लेकिन भीतर ये बहुत गहरा है, हिमालय पर स्थित किसी झील की तरह, भारत भूमि के चरणों में लोटपोट होते सागर की तरह, इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित इस आकाश की तरह मेरा चिंतन भी गुरु चिंतन है, शिव चिंतन है, जो शाश्वत और सनातन है। तुम्हें भी वही चिंतन रखना चाहिए और उसी प्रकार मार्ग में चलना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा चिंतन व्यक्ति प्रधान नहीं है, देह प्रधान नहीं है। तुम मेरे होने पर किसी मार्ग पर चलते हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन यदि मैं नहीं पृथ्वी पर रहता हूं और तब भी तुम इस मार्ग पर चलते हो, तब तुम वास्तविक साधक कहलाते हो। साधक देहों से नहीं बंधता, वो अन्नमय को नहीं जानता, वो प्राणमय से पीछे पीछे, विज्ञानमय से भी पीछे आनंदमय को जानने वाला और मानने वाला होता है। अगर तुम उस तत्व को मुझसे सीख सको, जान सको या मुझे देखकर उस आनंदमय की यात्रा पर गति ले सको, तो सब कुशल होने लगेगा। अभी इसमें केवल इतना ही, लेकिन सार रूप में मैं ये कहूँगा कि मेरा आध्यात्मिक चिंतन सृष्टि का सत्य चिंतन है। यहाँ तुम किसी तत्व को नकारो नहीं, जो तत्व है उसमें से सत्य तत्व ग्रहण कर असत्य तत्व को सृष्टि में जस का तस छोड़ दो, अंधकार को रहने दो, प्रकाश की ओर प्रस्थान।